नमस्कार दोस्तों, अजय मैं सिकर में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने बात की थी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और वो भी बिल्कुल बेसिक से, और बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, कुछ फॉर्मेट बताया था। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, कल मैंने बात की थी प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू मतलब मूलधन, मूलधन होता क्या है, उधार देगी व लेगी राशि क्या होगी भाई, मूलधन। कल मैंने बात की थी भाई टाइम, टाइम होता क्या है, धन उधार की अवधि क्या होगा भाई, टाइम होगा। मैं बात करता हूँ रेट, रेट क्या होगी भाई, 100 रुपये पर प्रतिवर्ष प्राप्त ब्याज क्या होगा भाई, रेट होगा। और कल मैंने बिल्कुल बेसिक बेसिक फॉर्मेट, बिल्कुल बेसिक बेसिक फॉर्मेट पे चर्चा की थी, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। और अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो इससे पीछे वाला वीडियो जरूर देखिए। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन पे, देखिए क्या बोल रखा है, 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मेरे लाल एक बात तो आपके समझ में आ रही होगी कि कल मैंने समझाया था जब भी माह में रहे तो किससे डिवाइड करना है भाई, 12 से, क्योंकि वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। तो देखिए ये घटा 4 × 2 = 8 और ये घटा 4 × 3 = 12, ये किस में चेंज हो गया मेरे लाल, वर्ष में चेंज हो गया। अब हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो साधारण ब्याज बराबर क्या होगा भाई, मूलधन गुणा टाइम गुणा दर बटे 100। अब देखिए मेरे लाल यहां मूलधन कितना है भाई, 6,000 रुपये, कितना है 6,000 रुपये। देखिए रेट कितना है 6%, और वर्ष में टाइम चेंज किया तो क्या आ गया, 2/3। अब देखिए नीचे क्या आएगा भाई, 100। देखिए जिससे जो कट रहा है उसे काट दीजिए। अब ये कटा 20। अब देखिए 20 को इसको गुणा किया, 6 को 2 से गुणा किया 12, 12 को 2 से गुणा किया 24, एक बिंदु पीछे है तो कितना हो गया भाई, 240। अब मेरे लाल ये 240 क्या आ गया, ये 240 सिंपल इंटरेस्ट आ गया, मतलब साधारण ब्याज। अब हमें पूछा क्या है, मिश्रधन और पूछा है, तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अब मेरे लाल मूलधन कितना है भाई, 6,000 रुपये, ब्याज कितना है 240, इस दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया भाई, 6,240। इसका उत्तर क्या आएगा भाई, 6,240। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन गुणोत्तर 144 रुपये है, तो वह धन याद कीजिए। वह धन का मीन्स क्या है भाई, वह धन का मीन्स क्या है, मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखिए मेरे लाल मूलधन ज्ञात करना है हमें और मिश्रधन दे रखा है, तो कल मैंने फॉर्मेट समझाया था, जब आपसे मूलधन पूछे और मिश्रधन दे रखा है तो मिश्रधन गुणा 100 + RT, RT मतलब क्या हो गया भाई, दर इंटू समय। अब देखिए मेरे लाल मिश्रधन कितना दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है गुणोत्तर 144 रुपये गुणा 100। अब देखिए मेरे लाल 100 + RT, आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 8%, आर कितना दे रखा है 8%। अब देखिए टाइम कितना दे रखा है, 3 वर्ष। अब देखिए यहां इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या हो गया, गुणोत्तर 144 गुणा 100, और नीचे देखिए ये आरती कितना हो गया भाई, 24 को 100 में ऐड किया तो कितना हो गया, 124। अब देखिए मेरे लाल 124 से ये गुणोत्तर 144 है वो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 56 बार। अब देखिए 56 को अपन 100 से गुणा करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा वैल्यू, 5600। तो इसका उत्तर क्या आएगा मेरे लाल, 5600। नेक्स्ट देखें आगे क्या क्वेश्चन बोल रखा है, किसी धन का साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 33,600 रुपये होता है, तो बताइए वह धन क्या है, वह धन मतलब क्या है भाई, मूलधन। देखिए मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन गुणा 100 + RT। अब देखिए मेरे लाल यहां पे मिश्रधन कितना दे रखा है, 33,600, यहां गुणा 100। देखिए मेरे लाल 100 + RT, वैसे तो आपके दिमाग में देखते ही आ जाने चाहिए वैल्यू कि 4 को 3 से गुणा किया तो डायरेक्ट कितना हो गया भाई, 12। बाकी फिर भी मैं लिख देता हूं, देखिए 12 को 100 से गुणा किया तो कितना हो गया भाई, 112। तो 33,600 × 100/112। अब देखिए मेरे लाल यहां से 112, देखो इससे ये कट रहा है, ये कितनी बार कट रहा है भाई, 3 बार कट रहा है। अब देखिए 3 के आगे कितने, यहां तो 300 और उधर 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 30,000 रुपये। ये क्या आ गया भाई, मूलधन आ गया, ये क्या आ गया, मूलधन मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अक्ष तथा वाई दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई है, यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याज का अंतर 150 रुपये है तो प्रत्येक की राशि बतानी है हमें। तो देखिए मेरे लाल यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं वाई लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही 7.5% की दर से दे रहे हैं, दोनों ही 7.5% की दर से दे रहे हैं।
अब देखिए 7.5% एक दे रहा है 4 वर्ष के लिए, एक दे रहा है 5 वर्ष के लिए। कर्मशय है, कर्मशय का मतलब होता है पहले एक्स वाला फिर वाई वाला, मेरी बात समझ पा रही हूं। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई किया और इनको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 30 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 37.5% हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इनका अंतर कितने का है भाई, अंतर कितने का है, अंतर देखिए मेरे लाल, अंतर है 7.5% का, अंतर है 7.5% का। अब रुपए में भी अंतर कितने का है, 150 रुपए का, तो 7.5% की वैल्यू 150 रुपए है, 7.5% की वैल्यू 150 रुपए है, तो मेरे लाल 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू होगी 150/7.5। अब इससे ये वैल्यू कट के आएगी, तो इससे वैल्यू कट के आएगी 20। अब मेरे लाल कुल राशि होगी 100%, तो इधर भी 100 से गुणा और 20 को 100 से गुणा किया, तो 20 को 100 से गुणा करेंगे मेरे लाल तो कितना प्राप्त होगा भाई, 2000 रुपए। ये 2000 रुपए क्या है भाई, प्रत्येक की राशि है। अब जिसकी राशि जिस जो पूछे वो ये राशि प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3600 रुपए की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के का साधारण ब्याज, दूसरे भाग का 6/1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, तो यह राशियां क्या है, यह प्रश्न पूछ रखा है। अब देखिए मेरे लाल इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बिल्कुल शॉर्टकट तरीका, आप पहले पहली राशि को ए लिख ले, दूसरी राशि को बी लिख ले, लिख लिया। अब देखिए मेरे लाल यहां पे क्या होता है कि दूसरे भाग है वो तो पहले भाग की जगह चला जाता है और पहला भाग है वो दूसरे भाग की जगह। ये ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्वेश्चन को फटाफट सोल्व करने के लिए भाई, ऐसा क्वेश्चन है ऐसे हो तो फटाफट ऐसे सोल्व कीजिए, आप सेकेंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखिए मेरे लाल यहां पर देखिए दूसरे भाग का 6/1/4%। अब 6/1/4% को आप क्या लिखेंगे, 6 चौके 24 1 25/4। अब 25/4 में ये लिख लेता हूं, 25/4। अब देखिए ये कितने वर्ष के लिए है मेरे लाल, 4 वर्ष के लिए। दूसरा भाग, पहला भाग है वो 5% की रेट से वो दूसरी जगह चला जाएगा और कितने वर्ष के लिए भाई, 3 वर्ष के लिए। ये 4 से 4 कट गया, 25:15। अब देखिए मेरे लाल ये कटा 5/25, 5/15। अब देखिए टोटल मिला के रेशियो कितना हो गया भाई, 8 हो गया। टोटल मिला के रेशियो कितना हो गया, 8। 8:1 बराबर टोटल राशि कितनी है भाई, 3600 रुपए। 8:3600 रुपए। अब देखिए मेरे लाल 1:1 बराबर क्या होगा, तो 3600 में किसका भाग देंगे भाई, 8 का भाग देंगे। 3600 में 8 का भाग देंगे तो देखिए भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, 450। अब देखिए मेरे लाल 1:450, तो 5:1 कितना होगा, यहां 450 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2250। अब देखिए 3:1 क्या होगा, 3 को किससे गुणा करेंगे भाई, 450 से, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1350 रुपए। तो एक का भाग मतलब पहला भाग कितना है भाई, 2250 रुपए। पहला भाग कितना है भाई, 2250 रुपए, और सेकंड बार क्या है भाई, 1350 रुपए। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये करना है, जो दूसरा भाग दे रखा है दूसरा भाग वो तो फर्स्ट की जगह रखना है, फर्स्ट भाग है वो सेकंड की जगह रखना, और फटाफट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, सेकंड भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट टाइप पे चर्चा करते हैं, एक टाइप हमने कंप्लीट पढ़ लिया जिसमें बिल्कुल बेसिक बातों पर चर्चा की है हमने, और बिल्कुल अच्छे अच्छे लेवल के एसएससी स्तर, बैंक स्तर, लगभग क्वेश्चन पटवारी इस स्तर के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अब देखिए एक टाइप नंबर सेकंड है, उसका नाम है गुणात्मक रिलेशन से संबंधित प्रश्न। अब देखिए मेरे लाल फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल एक बार मैं ट्रिक समझाता हूँ फिर फॉर्मेट से समझाता हूँ, आप देखिए बरोबर ध्यान दीजिए। देखिए क्या बोल रखा है, साधारण ब्याज के किसी दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा, साधारण ब्याज के किसी दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखिए भाई समय, क्या लिखिए भाई समय, यहां पे आप लिखिए गुना, यहां पे आप लिखिए गुना, और यहां पे आप लिखिए दर, किस दर से, दर अभी पता लग जाएगा आपको। अब देखिए मेरे लाल आप मुझे ये बताना कि कितने वर्ष में, 8 वर्ष में, कितने वर्ष में भाई, 8 वर्ष में, गुना कितना होता है, गुना देखिए दुगुना होता है तो 2 लिखिए, ठीक है। अब यहां पे मेरे लाल 100 लिखिए,
सो लिखिए, मैं ट्रिक बता रहा हूं इसकी, भाई सो लिखिए। अगर इससे एक कम करना है, गुना से एक कम करना है, देखिए दो से एक कम किया है तो कितना हुआ भाई, एक एक को सो से गुणा करेंगे तो वो उतना ही आएगा। अगर यहां पांच रहता तो कितना होता भाई, एक कम करता तो चार, चार को इस सो से गुणा करना पड़ता। अब देखिए यहां दो में से एक कम किया, एक एक को इस सो से गुणा किया तो क्या आ गया भाई, सो ही आ गया। अब देखिए मेरे लाल, जो ये टाइम है उसका भाग दे देंगे, टाइम का भाग दे देंगे तो रेट कितनी आ जाएगी भाई, 12.5%। या तो ऐसे कर लो इस क्वेश्चन को, और ऐसे नहीं करो तो सेकंड तरीका मैं बताता हूं आपको, जो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये पढ़ा। तो हमें क्या निकालनी है, रेट, रेट बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा सो, रेट बराबर होता है ब्याज गुणा सो, मूलधन गुणा टाइम। अब देखिए मेरे लाल दुगुना हो जाता है, तो देखिए ब्याज एक, मूलधन मानना है, मूलधन कितना मानना है एक, और दुगुना हो जाता है तो ब्याज कितना बड़ा, एक। अब देखिए ब्याज एक बड़ा है गुणा सो, मूलधन एक मानता हूं, गुणा टाइम देखिए कितने वर्ष में, 8 वर्ष में, तो देखिए 100 में 8 का भाग दिया है तो कितना हुआ, 12.5%। मेरी बात समझ पा रहे हूं? अब देखिए यहां पे मैंने यही समझा है कि एक से दो हुआ है, मूलधन सदैव एक मानना है, दुगुना हुआ है तो दो हुआ है, मतलब ब्याज कितना बड़ा है, एक बड़ा है, दुगुना तो क्या है वो मिश्रधन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5% वार्षिक दर से कोई धन कितने समय में दुगुना हो जाएगा, तो मैं इसकी पहले ट्रिक बताता हूं। ठीक है, ट्रिक देखिए, वही आपको क्या रखना है भाई, इधर दर रख लो, ठीक है, उधर रख लो गुना, और इधर रख लो समय। अब देखिए दर कितना है, 5%, गुना हो रहा है तो गुना, अब गुना से एक कम करना है, गुना से एक कम किया तो एक, एक को किससे गुना करना है, सो से, एक को सो से गुना करेंगे तो वही सो आएगा। अब इस रेट का भाग देना है, रेट का भाग देंगे तो देखिए सो में 5 का भाग दिया कितना हो गया भाई, 20% क्या, 20 वर्ष। ठीक है, क्योंकि टाइम निकाल रहे हैं इसलिए वर्ष में आएगा। देखिए सेकंड तरीका देखते हैं इसका, वो सेकंड मेथड अपनी ट्रिक्स के अलावा जो अपन मेथड यूज कर रहे थे उससे देखते हैं। तो हमें निकालना है टाइम, टाइम बराबर क्या होता है, SI गुणा सो, मूलधन गुणा रेट। अब देखिए मेरे लाल, दुगुना हो जाता है, मूलधन सदैव एक मानना है, और दुगुना हो जाता है तो ब्याज कितना बड़ा है, ब्याज एक बड़ा है, एक गुणा सो, मूलधन एक आएगा, रेट मेरे लाल कितना है, 5%, तो देखिए 100 में 5 का भाग लगेगा तो कितना होगा भाई, 20 वर्ष। क्या होगा भाई, 20 वर्ष। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए 10% वार्षिक दर से कोई धन कितने समय में 5 गुना हो जाएगा। अब देखें मैंने वो चीज समझाई थी, इधर दर लिखिए, उधर गुना लिखिए, और उधर क्या लिखना है आपको, समय निकालना है। अब देखिए मेरे लाल, अगर आपसे दर पूछे तो यहां दर आ जाएगी, समय यहां आ जाएगा, एक दूसरे एक तरफ होते रहेंगे, जो पूछे वो उधर आ जाएगा। अब देखिए दर कितनी है भाई, दर 10% है, मेरे लाल कितना गुना है भाई, 5 गुना। मैंने ये बोला है एक कम कीजिए और उससे सो से गुणा करना है, एक कम करना है इसे, चार, चार को किससे गुणा करना है, सो से। अब वो रेट का भाग देना है, रेट का भाग देंगे तो टाइम कितना आएगा भाई, 40 वर्ष। ये तो अपनी ट्रिक कंप्लीट। अब देखिए मेथड से मैं इसको समझाता हूं, सेकेंड मेथड में बताता हूं इसी का। देखिए हमें टाइम निकालना है, टाइम बराबर क्या होगा, SI गुणा सो, ठीक है, SI गुणा सो, मूलधन गुणा रेट। अब मेरे लाल मुझे ये बताएंगे कि मूलधन सदैव आपको एक मानना है, मूलधन सदैव आपको क्या मानना है, एक, मिश्रधन कितना है, मिश्रधन है 5 गुना। देखिए ब्याज कितना बड़ा है, ब्याज बड़ा है, वो कितना गुना बड़ा है भाई, 4 गुना। अब देखिए ब्याज कितना है भाई, 4 है, गुणा 100 है, मूलधन देखिए कितना है, एक, और रेट कितना है, 10। तो देखिए बिंदु से बिंदु कट गई, आप 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया भाई, 40 वर्ष। ये अपना क्या है भाई, मेथड है। अब आगे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन। देखिए आगे क्या बोल रखा है, 15% वार्षिक दर से कोई धन कितने समय में 19 गुना हो जाएगा। तो यहां पे लिखिए आप दर, यहां पे लिखिए आप गुना, और उधर लिखिए आप समय। अब देखिए मेरे लाल, यहां पे आपको दर कितना परसेंट दे रखा है, 15%, गुना कितना दे रखा है, 19 गुना। अब मैंने बोला था इससे एक कम करना है, एक कम किया, 18 को सो से गुणा करना है, और देखिए जो रेट दे रखी है उससे डिवाइड करना है। देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 120 वर्ष।
120 वर्ष। नेक्स्ट मैं सेकंड इसका मेथड बताता हूँ। तो सेकंड मेथड देखिए, हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होगा, एस आई गुणा सो। अब यहाँ क्या आएगा, नीचे पी गुणा आर। अब देखिए मेरे लाल, यहाँ मूलधन मानना है एक। देखिए मिश्रधन कितना हो गया, 19। ब्याज कितना बड़ा है, एक से 19 हुआ है 18। ब्याज बड़ा है, ये क्या बड़ा है मेरे लाल, 18 ब्याज बड़ा है। ब्याज कितना है, 18 गुणा सो, मूलधन एक है मेरे लाल, और रेट हमारे पास 15% दे रखी है। देखिए 18 को 500 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। 1800 को डिवाइड किससे करना है, 15 से, तो कितना आ जाएगा भाई, 120 वर्ष। देखो कोई सा भी तरीका आपके समझ में आए, डबल डबल तरीके में बता रहा हूं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रखा है, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्ष में स्वयं का 1/5 गुना ब्याज देगा। अब देखिए मेरे लाल, ब्याज की बात की है तो ब्याज का फॉर्मेट क्या होगा, ब्याज का फॉर्मेट होगा मूलधन गुणा टाइम गुणा दर 100। ये ब्याज का फॉर्मेट होगा। अब देखिए 1/5 गुना क्या दे रहा है ब्याज, तो ब्याज की जगह 1/5 लिख लिया। मूलधन सदैव एक मानना है, एक मान लिया। टाइम देखिए कितना बोल रखा है, टाइम देखिए कितने परसेंट वार्षिक दर से, तो टाइम बोल रखा है यहाँ 10, और दर पूछी है हमें 100। अब देखिए मेरे लाल, बिंदु से बिंदु कट गई। अब देखिए ये डायरेक्ट, आप जिसको पता है वो डायरेक्ट इस पे इसको वैल्यू को काट सकता है। 5 से ये 10 कटा, 2 बार बराबर में है, और ये 2 1 के पास आएगा तो आर बराबर क्या आ जाएगा भाई, 2% आ जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करना आप। देखिए ये है 2 है, वो यहाँ आ जाएगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाल, 2% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, कोई धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो बताइए वह राशि 4 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी। मेरे लाल इस क्वेश्चन को कोई फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, आपको बस डायरेक्ट ट्रिक देके और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। देखिए यहाँ मिश्रधन लिखिए, यहाँ मूलधन लिखिए, यहाँ ब्याज लिखिए, जो ब्याज आया है वो लिखिए, और जो आगे दे रखा है हमें क्या दे रखा है भाई, समय दे रखा है, तो वो समय लिखिए। देखिए यहाँ पे देखना, कोशिश करना, मिश्रधन कितना है, दुगुनी हो जाती है 2, मूलधन 1 मानना है, ब्याज कितना बड़ा 1, कितने समय में भाई, 6 वर्ष में। 1 का वैल्यू, 1 वैल्यू का अनुपात कितना है भाई, 1:1 का वैल्यू कितना है, 6 है। अब देखिए हमें क्या बोला है, 4 गुनी, तो मिश्रधन है 4, मूलधन 1 मानना है, ब्याज कितना बड़ा, देखिए 1 से 4 हुआ है, ब्याज बड़ा है 3। अब देखिए 1 का कितना है भाई, 6, तो 3 का कितना होगा, 3 गुणा 6 कितना टाइम हो जाएगा भाई, 18 वर्ष। 1 रेशियो का वैल्यू कितना है भाई, 1 रेशियो का वैल्यू है 6 वर्ष, तो 3 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 3 गुणा 6 कितना हो गया भाई, 18 वर्ष। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, कोई धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो बताइए कितने वर्ष में यह राशि 7 गुनी हो जाएगी। तो देखिए मेरे लाल, इधर लिखिए मिश्रधन, इधर लिखिए मूलधन, इधर लिखिए जो ब्याज आया है, और उधर लिखिए समय, कितना समय आएगा। अब देखिए प्रश्न में क्या बोल रखा है, कोई धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में तिगुनी हो गई, मिश्रधन 3 गुना, मूलधन सदैव 1 मानना है, देखिए 1 से 3 हुई है, ब्याज कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, कितने समय में बड़ा है, वो समय में बड़ा है 8 वर्ष में। ठीक है, तो 2:1 का रेशियो है 8 वर्ष, तो 1:1 का क्या होगा, 8/2 कितना वर्ष हो जाएगा भाई, 4 वर्ष, कितना वर्ष हो जाएगा भाई, 4 वर्ष। समझने की आप कोशिश करना। अब देखिए क्या बोल रखा है, तो बताइए 7 गुनी, तो देखिए मिश्रधन हो गया 7, मूलधन हो गया 1, अब बड़ा 1 से 7 हुआ है, ब्याज बड़ा है 6, 1:1 का मतलब 4 वर्ष है, तो 6:1 का कितना होगा भाई, 6 गुणा 4 मतलब कितना टाइम हो जाएगा भाई, 24 वर्ष, कितना टाइम हो जाएगा, 24 वर्ष। आप इधर रखिए मिश्रधन, इधर रखिए मूलधन, इधर रखिए ब्याज, और इधर रखिए समय। अब देखिए मूलधन सदैव 1 मानना है, ब्याज मिश्रधन हो गया 3, ब्याज बड़ा है कितना, 2 बड़ा है, कितने वर्ष में, 8 वर्ष में, तो 1:1 बराबर क्या होगा, 8/2 बराबर 4 वर्ष। अब देखिए मेरे लाल, अगर 7 गुनी पूछी हमें, तो देखिए मिश्रधन 7, मूलधन सदैव 1 मानना है, ब्याज कितना बड़ा है 6, 1 रेशियो का वैल्यू आया है 4 वर्ष, 1 रेशियो का वैल्यू 4 वर्ष, तो 6 रेशियो का क्या होगा, 6 गुणा 4 देखिए कितना हो गया, 24 वर्ष। ये क्या है, इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है, तो बताइए किस दर से यह 7 गुनी हो जाएगी। 2 क्वेश्चन हमने टाइम के कर लिए, अब 2 क्वेश्चन अपन रेट के करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको लिखना है वही मिश्रधन, यहाँ पे मूलधन, यहाँ लिखना है आपको ब्याज, और
यहां आएगी वो अपनी क्या आएगी, रेट आएगी। अब देखिए मेरे लाल, यहां पे हो कितनी गुनी हो जाती है, तीन गुनी। तो ये मिश्र धन है, तीन गुनी, तीन गुनी मिश्र धन है, मूलधन एक मानना है। अब देखिए एक से तीन ब्याज कितना बड़ा है, दो बड़ा है। अब कितने परसेंट की दर से भाई, 10% की दर से, 10% की रेट से। अब देखिए एक अनुपात बराबर कितना होगा, 10/2, मतलब कितना हो जाएगा भाई, 5%। एक अनुपात बराबर 5%। अब तो बताइए किस दर से सात गुनी हो जाएगी। तो मेरे लाल मिश्रधन सात, मूलधन एक, ब्याज कितना बड़ा है 6। अब देखिए 1:5 का वैल्यू है 5%, तो 6:5 का वैल्यू क्या आएगा, 6×5 कितना हो जाएगा भाई, 30, मतलब 30%। अब इसको ऐसे नहीं देखे, तो देखिए एक का सॉरी 2:5 का वैल्यू है 10%, तो यहाँ देखो 2 का ट्रिपल है, 2 का ट्रिपल कितना है 6 है, तो यहाँ भी 10 का ट्रिपल कितना है 30 है, मतलब 30 है। तो इसका उत्तर क्या आएगा भाई, 30%। इसका उत्तर क्या आएगा भाई, 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, कोई धनराशि 16% साधारण ब्याज की दर से 5 गुनी हो जाती है, तो बताइए किस दर से वह 9 गुनी हो जाएगी। मेरे लाल वही मिश्र धन, वही मूलधन, वही ब्याज और वही रेट, ये लिखिए आप, लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे देखो कितनी गुनी हो जाती है, 5 गुनी मिश्र धन है, 5 गुना मूलधन है 1, मूलधन सदैव 1 मानना है। अब देखिए मेरे लाल आपको क्या देखना है, मूलधन 1 से 5 हुआ है, ब्याज कितना बड़ा है 4, कितने परसेंट से भाई, 16% से, 4:5 का मतलब है 16%। अब देखिए हमें तो बताइए किस दर से 9 गुनी हो जाएगी, 9 गुनी मिश्र धन है, मूलधन सदैव 1 मानना है, ब्याज कितना बड़ा है 1 से 9 हुआ है, ब्याज बड़ा है 8। अब देखिए मेरे लाल यहाँ से बिल्कुल सिंपल सा, यहाँ 4%, यहाँ 4:5 का मतलब है 16%, 4:5 का मतलब है 16%, यहाँ 8:5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 4 का डबल हुआ है तो यहाँ भी डबल करेंगे, 16 का डबल किया तो कितना हो जाएगा भाई, 32%। ये क्या है इसका उत्तर है। अब मेरे लाल आपके बिल्कुल सिंपल सिंपल बिल्कुल ट्रिक के साथ मैंने क्वेश्चन करवा रहे हैं, और बिल्कुल क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, खुद करने की कोशिश कीजिए, और कम से कम टाइम में मैंने क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है ताकि आप बेटर फील कर सको। प्लस अपन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम जब भी मिलेंगे तो आपके साथ बेहतरीन और अच्छे टाइप के साथ मिलेंगे, और आप भी वीडियो को शेयर करना कोशिश करना। धन्यवाद, पढ़ने की जरूरत।